हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैलेंडर एंड तिथि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सवाल उठता हुआ होगा कि कैलेंडर कैसे बना, कैलेंडर में 365 दिन ही क्यों है, साल में 12 महीने ही क्यों आते हैं, तिथियां क्या है, तिथियां तीसी क्यों होती है, तिथियों का क्षय क्यों होता है। तो ये हम देखते हैं, ठीक है, उसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा घटता या बढ़ता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक महीना डिसाइड किया कि जब चंद्रमा दिखता है वहाँ से लेके वापस जब चंद्रमा पूरा दिखता है तो वो एक महीना, यानी अमावस्या से अमावस्या तक या फिर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का एक महीना उन्होंने डिसाइड किया। फिर उन्होंने दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय था उन्होंने वो शुक्ल पक्ष कहा, और पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय का उन्होंने कृष्ण पक्ष कहा। अब यहाँ पे एक चीज देखने के लिए है कि चंद्रमा महीने का आधार था। क्यों? क्योंकि जो मंथ शब्द है अंग्रेजी में वो भी मून से आया है, और जो मुस्लिम समाज हिजरी सन का भी उपयोग करते हैं वो भी चंद्रमा पर आधारित है। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा महीने के लिए एक आधार था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि लोगों ने एक और बदलती चीज देखी, वो थी ऋतुएं। अब दिन और रात होते थे, चंद्रमा घटता और बढ़ता था, साथ ही साथ ऋतुओं भी बदलती थी। तो इन सब को एक कैलेंडर में बिठाना बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने उस मुश्किल का थोड़ा बहुत हल निकाला। तो उन्होंने देखा कि जो चंद्रमा से चंद्रमा तक का जो समय था वो हमने क्या डिसाइड किया था, 30 दिन का, ठीक है। पर वो 30 दिन का नहीं था, असल में था वो 29.5 दिन का। वैसे ही जब लोगों ने देखा कि जो एक साल हम 365 दिन का गिन रहे हैं वो 365 दिन का था ही नहीं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 365 दिन उपरांत 1/4 यानी 0.25 डेज ज़्यादा लगते थे, तो इसकी हिसाब से पूरी गणना खराब हो गई। फिर हमारे लोगों ने क्या किया कि हमारे लोगों ने एक डिसाइड किया कि जो 29.5 दिन का महीना था उनकी जगह वो क्या करेंगे, तो वो आधा दिन उसमें ऐड कर देंगे और वो पूरे 30 दिन का महीना बना देंगे, ठीक है। पर ये सॉल्यूशन में एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, तो आपको पता है कि 29वें दिन में तिथि एक होगी, फिर ये जो आधे दिन में तिथि बदल जाएगी और वापस महीना भी चेंज हो रहा है, हमने ये आधा ऐड किया उसके हिसाब से वहाँ पर तिथि चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ तिथियों का क्षय हो जाता था। तो ये भी कैलकुलेशन में एरर थी। तो उन्होंने ये कैलकुलेशन ठीक करने के लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो तिथि क्षय होती है, जो दिन बिगड़ते हैं, तो वो तिथि क्षय को वो क्या करेंगे, सारी तिथियाँ को मिलाएंगे और जो तिथियों का एक महीना बनाएंगे उस महीने को वो कुछ साल के बाद पूरा कैलेंडर में डाल देंगे, यानी उसको हम कहेंगे अधिक मास। अधिक मास यानी कि जो तिथियां क्षय हो जाती थी उसको मिला के एक महीना बनाया और उसको कैलेंडर में डाल दिया, वो होता था अधिक मास, ठीक है, एक अतिरिक्त महीना, या फिर आप कह सकते हैं मल मास। तो इस वजह से वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो हमें मिल गया। अब रोमन की अगर बात करें तो जो रोमन लोग थे, रोम के लोग थे, वो मिस्र की नकल करते थे। मिस्र क्या करता था कि उन्होंने एक साल को डिसाइड करने के लिए क्या किया, तो उन्होंने एक तारे के ऊपर नज़र रखी कि ये जो तारा यहाँ पे है, जो पोजीशन पे है, वहाँ से वापस उसी पोजीशन पे आएगा तब पूरा साल होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो गणना की तो वो हो आया 365 दिन का, पर असल में जो साल था वो कितने दिन का था, तो वो 365.25 डेज यानी 1/4 दिन ज़्यादा था। तो उन्होंने ये निश्चित किया कि वो जो साल है वो उतना ही रखेंगे। उसके बाद तो ये जो 1/4 दिन जो ज़्यादा आ रहा है तो वो कैलकुलेशन में एरर होगा। तो उन्होंने क्या किया, तो ये जो 1/4 डे जो ज़्यादा आ रहा है उन्होंने उसको 4 साल में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1/4 × 4, तो वो पूरा एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये किया कि 365 दिन का 3 साल और 366 दिन का 1 साल, यानी जो ये जो
वन बाय फोर्थ डे जो बढ़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एज इट इज रहता है उसको उन्होंने चौथे साल में ऐड कर दिया। तो चौथे साल का जो महीना था, या फिर कह सकते चौथे साल के जो दिन थे, वो 365 की जगह 366 हो गए। तो 4 साल में ये गणना या जो एरर थी वो निकल गई, इसलिए हम उसको कहते हैं लीप ईयर। फिर रोमन के जो लोग थे वो चंद्रमा पे आधार नहीं रखते थे, इसलिए वो महीने को छोटा या बड़ा कर सकते थे। अब वो ऐसा भी कर सकते थे कि 31 दिन के 5 महीने और 7 महीने 30 दिन के। पर आपको यहाँ पे एक चीज बतानी है कि जो रोमन वासी थे वो विषम अंक के थे, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर को वो क्या करते थे, शुभ मानते थे। तो शुभ मानने के लिए उन्होंने 31 दिन का एक और महीना बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई कि जब जुलाई मास का नाम जूलियस सीजर के नाम पे रखा गया, तो उनके उस महीने को यानी जुलाई के महीने को 31 दिन का बनाने के लिए फरवरी में से एक दिन निकाल लिया। ठीक है, फरवरी में से एक दिन निकाल लिया तो फरवरी 29 दिन का हो गया और जुलाई 31 दिन का। फिर उसके बाद दूसरे सम्राट आए जिसका नाम था अगस्तस सीजर। अब उसने खुद के महीने यानी अगस्त महीने को उन्होंने 31 दिन का बनाने के लिए फिर से फरवरी में से एक दिन निकाल लिया। फरवरी हो गया 28 दिन का और अगस्त हो गया 31 दिन का। ठीक है, तो ऐसा एक कैलेंडर में चेंज आया। तो आज भी हम कह सकते हैं कि आज भी हम रोमन के जो कैलेंडर था उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लीप ईयर है तो आपको पता है कि 4 से डिवाइड करते हैं उसको हम लीप ईयर कहते हैं, यानी कि अगर 2016 है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे एक और कह सकते हैं विचार आया शताब्दी साल का। तो जो भी शताब्दी साल है उसको हमें 400 से डिवाइड करना है, अगर उस वो लीप ईयर है या नहीं ये पता करना है। तो ठीक है, तो ऐसा क्यों है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ भारत में एक दूसरा संवत भी चलता है जो है विक्रम संवत, जो ईस्वीसन पूर्व 57 में शुरू हुआ था, और तो दूसरा है शक संवत जो ईस्वीसन 78 में शुरू हुआ था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।